नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ वो ट्रैक का हमारा आगे का पार्ट है कि हम लोग जो जितने भी मोबाइल फ़ोन के अंदर जो ट्रैक थे उनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करना सीख रहे थे कि मोबाइल फ़ोन के अंदर ट्रैक को चेक करने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उनमें एक एक करके ट्रैक के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में जो हमारा होने वाला है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर ट्रैक का कनेक्शन, मतलब अंदर का जो इंटरनली कनेक्शन होते हैं उनको कैसे चेक किया जाता है, इसके बारे में हम आज आपको वीडियो हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो दे रहे हैं। और वीडियो में बहुत ऐसे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे वीडियो में बहुत अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ों के बारे में समझ में आ रहे हैं, तो हम उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बना कर दे रहे हैं ताकि इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छे से सीख सकें, समझ सकें। और दूसरी बात क्या है, मैंने आपको ये निकाला हुआ दोस्तों कि जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं तो उन मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कैसे किया जाएगा, ये आपके पास कोई भी कस्टमर हैंडसेट लेकर के आता है तो आप उसको कैसे रिपेयर करेंगे, इस तरीके से मैंने प्रैक्टिकली वीडियो हम एक एक करके बना करके आपको डालने हैं ताकि आप ये देखें कि मोबाइल फ़ोन आता है तो आप उसको कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कि मोबाइल फ़ोन के अंदर सप्लाई, सर्किट, ट्रैक, कनेक्शन, उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, ये मैं वीडियो के माध्यम से एक एक करके आपको सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स सिखाया जाता है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से पूरा टेक्निकली कोर्स सिखाया जाता है। यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आपकी होती है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों तरीके से ट्रेनिंग आपको सिखाया जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने आगे कोर्स के ऊपर। आज जो हम लोग जो सीखने वाले हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन के अंदर ट्रैक कैसे चेक किया जाता है। इससे पहले के वीडियो में मैंने दोस्तों आपको मैंने सीरीज पैलर के बारे में समझाया था कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन के अंदर सीरीज पैलर को कैसे चेक किया जाता है, या सीरीज पैलर के हिसाब से जो भी लाइनें आती हैं उनको कैसे चेक किया जाता है, या प्लस माइनस को कैसे चेक किया जाता है, या मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कनेक्टिविटी होती है, सप्लाई की कनेक्टिविटी होती है, उसको कैसे चेक किया जाएगा, ये मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। आज जो हम लोग ट्रैक चेकिंग में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो हम लोग जैक का टेस्टिंग सीखने वाले हैं। जैक मतलब हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो जैक एक स्लॉट लगा होता है उस जैक को कैसे चेक किया जाएगा, या जैक को टेस्ट करने का तरीका क्या है, इसके बारे में मैं आज आपको वीडियो आपको दे रहा हूँ और इनको चेक करना हम आपको सिखा रहे हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर कई अलग अलग तरीके के जैक लगे होते हैं। जब आप जैक की बात करते हैं तो जैक में से सबसे पहला जैक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग जैक। बैटरी कनेक्टर, सिम जैक, उसके बाद मेमोरी जैक, हैंड फ्री जैक, ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम बटन। मतलब मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी सारे स्लॉट्स आते हैं, जैसे आपका ट्रैक चेकिंग में आता है जैक चेकिंग, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो जैक कैसे चेक करेंगे। जैक में जैसे चार्जिंग जैक है, बैटरी कनेक्टर है, सिम जैक है, मेमोरी जैक है, हैंड फ्री जैक है, ऑन ऑफ स्विच वॉल्यूम है, ये जितने भी सारे जैक हैं इन सारे जैक को कैसे चेक किया जाएगा, जैक को चेक करने का तरीका क्या है, ये आज दोस्तों मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरा एक आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चार्जिंग जैक के बारे में। ये सारी चीज़ें जो है आप वीडियो को अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आप जो भी सारी चीज़ें हैं आपको अच्छे से समझ में आ सकें और इन सब चीज़ों के बारे में सीख करके एक बेहतर तरीके से आप अच्छे तरीके से काम कर सकें। इनको स्टेप बाय स्टेप आप क्या करिए, नोट करते रहिए, समझते रहिए सब चीज़ों के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं जैक को चेक कैसे किया जाता है, जैक को चेक करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहली बात, चार्जिंग जैक चेकिंग, चार्जिंग जैक को चेक कैसे किया जाएगा। हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं
उस मोबाइल फोन में, सभी मोबाइल फोन में चार्जिंग जैक लगा होता है। चार्जिंग जैक आप देखेंगे इस तरीके से बना होता है। ये आपका चार्जिंग जैक लगा होता है। चार्जिंग जैक में जब यहाँ से चार्जर लगाते हैं तो यहाँ पर करंट आता है, ये करंट आगे की तरफ चला जाता है। चार्जिंग जैक में सबसे पहले चार्जर लगा करके जब आप चेक करेंगे तो चार्जर लगा करके चेक करने पर आपको यहाँ पर कितना वोल्ट करंट मिलना चाहिए, 5 वोल्ट करंट मिलना चाहिए। कितना वोल्ट मिलना चाहिए, 5 वोल्ट। अगर 5 वोल्ट करंट मिलता है तो इसका मतलब ये है कि चार्जिंग जैक सही है। सबसे पहले चार्जर लगाएंगे, चार्जर लगाने पर प्लस माइनस पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट करंट मिलेगा। अगर 5 वोल्ट करंट मिलता है तो इसका मतलब क्या, जैक सही है। नहीं मिलता तो हमारा जैक खराब है। जैक खराब हो जाएगा तो जैक को आप क्या कर देंगे, बदल देंगे। उसके बाद चार्जिंग जैक में जो दो पिनें होती हैं, प्लस माइनस की पिनें होती हैं, तो रेड पिन को ग्राउंड पर रखेंगे, ब्लैक से चेक करेंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पास मोबाइल फ़ोन आते हैं, उस मोबाइल फ़ोन में जो चार्जिंग कनेक्टर लगा होता है, चार्जिंग कनेक्टर में जो लेफ्ट साइड का हिस्सा होता है ये अपना प्लस होता है। लेफ्ट हैंड क्या होता है, प्लस होता है। राइट हैंड क्या होता है, माइनस होता है। चार्जिंग जैक में ज़्यादातर जितने भी मोस्टली मोबाइल फोन में चार्जिंग जैक आते हैं उसमें आखिरी आखिरी वाला ही प्लस माइनस होता है। तो हम लोग जब चेक करेंगे तो इसका लेफ्ट हिस्सा प्लस होता है और राइट हिस्सा क्या होता है, माइनस होता है। तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन में हम लोग यहाँ पर चार्जर लगा देते हैं। चार्जर लगाने के बाद जब प्लस माइनस पिन में हम लोग चेक करते हैं तो प्लस माइनस पिन में चेक करने पर यहाँ पर 5 वोल्ट करंट अगर आता है तो 5 वोल्ट करंट आने का मतलब क्या है, हमारा जैक सही है। अगर 5 वोल्ट करंट नहीं आता तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स हमारा जैक खराब है। तो चार्जर लगा कर जब आप चेक करेंगे तो चार्जर लगा कर चेक करने पर यहाँ पर आपको 5 वोल्ट करंट मिलना चाहिए। अगर 5 वोल्ट करंट मिलता तो सही है, नहीं मिलता तो खराब है। जब आप 5 वोल्ट करंट चेक कर लेंगे तो 5 वोल्ट करंट चेक करने के बाद आप जब आप चेक करेंगे तो इसके माइनस वाली पिन है, माइनस वाली पिन में चेक करने पर, ग्राउंड से चेक करेंगे तो माइनस वाली पिन में चेक करने पर बीप मिलेगी, और जो प्लस वाली पिन होती है इस प्लस वाली पिन में चेक करने पर आपको वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले जब आप मोबाइल फ़ोन में चार्जर लगा के चार्जिंग जैक पर चेक करेंगे तो चार्जिंग जैक के जो पॉजिटिव पॉइंट होता है, पॉजिटिव पॉइंट में वैल्यू मिलेगी, और जो माइनस पॉइंट होता है, माइनस वाले पॉइंट में चेक करने पर बीप मिलेगी। इससे आपको ये पता चलेगा, प्लस माइनस में वैल्यू और बीप मिलने से आपको ये पता चलेगा, वैल्यू मिलने से ये पता चलेगा कि आपका प्लस का लाइन सही से मदरबोर्ड में कनेक्ट है। अगर वैल्यू नहीं मिलता तो इसका मतलब ये कि प्लस का लाइन सही से कनेक्ट नहीं है। उसके बाद जो माइनस वाली पिन है, माइनस वाली पिन में जब आप चेक करेंगे तो माइनस वाली पिन पे बीप मिलेगी, तो बीप मिलने से ही आपको समझ में आएगा कि माइनस का लाइन बोर्ड में प्रॉपरली कनेक्ट है। अगर माइनस का लाइन बोर्ड में कनेक्ट नहीं है तो माइनस उठा करके कहीं भी आप ग्राउंड पे आप जब जंपर मार देंगे तो जंपर मारने से आपके मोबाइल फ़ोन में माइनस की कनेक्टिविटी हो जाएगी, और माइनस की कनेक्टिविटी होने का मतलब होता है आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की लाइन क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। लेकिन जो प्लस की लाइन होती है, प्लस की लाइन में चेक करेंगे तो पॉजिटिव की लाइन में चेक करने पर आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा मिलेगा। अगर प्लस की लाइन में वोल्टेज मिलता है तो इसका मतलब क्या, हमारा सप्लाई सही है, और प्लस की लाइन में वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब होता है कि हमारा लाइन सही से मदरबोर्ड में कनेक्ट है। जब हमारा लाइन मदरबोर्ड में सही से कनेक्ट होगा तभी हम लोग ट्रैक को चेक कर पाएंगे और ट्रैक को फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आपको मदरबोर्ड में आपको दिखाते हैं कि मदरबोर्ड में इसको चेक कैसे करेंगे, या मदरबोर्ड में आप इसको कैसे पहचानेंगे, किस तरीके से इसको आप आसानी के साथ में चेक करेंगे। जैसे हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन होता है, उस मोबाइल फ़ोन के अंदर का जो मदरबोर्ड पाया जाता है, उस मदरबोर्ड में अगर आप गौर से देखेंगे तो ऐसे हमारे मदरबोर्ड में ये यूआई लगा होता है। इस यूआई के अंदर ये चार्जिंग कनेक्टर लगा होता है। आप देखिए पास से, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा यूआई लगा होता है। इस यूआई के अंदर ही चार्जिंग कनेक्टर होता है। मैं इस चीज़ को मैं आपको बोर्ड में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपके मोबाइल फ़ोन में ये चार्जिंग जैक लगा हुआ है। ये चार्जिंग जैक आपको दिखाई दे रहा होगा ताकि आप मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग जैक के माध्यम से आप लोग ये चेक करते हैं कि कैसे हम लोग चेक करेंगे, मतलब इसके चार्जिंग जैक के अंदर की जो पिनें होती हैं इनका कनेक्टिविटी का क्या प्रोसेस है, या कनेक्टिविटी का कनेक्शन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो ये जो चार्जिंग जैक लगा हुआ है, तो चार्जिंग जैक के अंदर ये जो आपके लगे होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं लॉक।
क्या बोलते हैं लॉक, ये मैं आपको बिल्कुल बोर्ड में आपको बता रहा हूँ। ये जो हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो बोर्ड लगा होता है, इस बोर्ड के अंदर ये पॉइंट्स लगे होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉक बोलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस मोबाइल फोन में चार्जर लगा देंगे। चार्जर लगाने के बाद जब आप इसके प्लस माइनस में चेक करेंगे तो प्लस माइनस में चेक करने पर 5 वोल्ट करंट मिलेगा। अगर यहाँ पर प्लस माइनस में चेक करने पर 5 वोल्ट करंट मिलता है तो इसका मतलब क्या, तुम्हारा चार्जिंग जैक सही है। अगर 5 वोल्ट करंट नहीं मिलता तो इसका मतलब चार्जिंग जैक तुम्हारा खराब है। ये जैक खराब होगा, जैक खराब होने का कारण रहता है इसमें गंदगी आ जाती है, इसमें मॉइस्चर आ जाता है, इसमें नमी आ जाती है, इसमें कार्बन आ जाता है, तो हमारा जैक खराब हो जाता है। जैक में से ये वाले पिन में जब आप चेक करेंगे तो ग्राउंड से चेक करेंगे तो इस वाली पिन में चेक करने पर आपको बीप मिलेगी। ये वाली पिन आपकी माइनस होती है, ये वाली पिन प्लस होती है, इस पर चेक करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो लेफ्ट साइड का हिस्सा होता है प्लस होता है, जो राइट साइड का हिस्सा होता है वो माइनस होता है। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब इस मोबाइल फ़ोन में इसके जो छेद हैं ऊपर की तरफ होने चाहिए। अगर ऊपर की तरफ छेद है तो लेफ्ट प्लस होता है, राइट माइनस होता है। कई मोबाइल फ़ोन में ऐसा भी देखा गया है कि जैक पलट जाता है, मतलब जैक उल्टा हो जाता है। जब जैक उल्टा हो जाता है तो इसके प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, मतलब प्लस माइनस इधर उधर हो जाते हैं। तो वो लोग हम लोग चेक कर सकते हैं। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस चार्जर लगा के चेक करेंगे तो यहाँ पर 5 वोल्ट करंट आएगा। अगर 5 वोल्ट करंट आता है तो चार्जिंग जैक सही है, नहीं आता तो जैक खराब है। जैक खराब होने पर जैक को बदल देंगे। जैक के माइनस वाली पिन है, माइनस वाली पिन में चेक करेंगे तो माइनस वाली पिन में चेक करने पर बीप आएगी। प्लस वाली पिन है, प्लस वाली पिन में चेक करेंगे तो वैल्यू आएगी। अगर माइनस वाली पिन पर बीप नहीं आती तो माइनस को उठा करके आप ग्राउंड पर जंपर मार देंगे। प्लस में चेक करेंगे तो प्लस में चेक करने पर वैल्यू आती है। अगर प्लस में वैल्यू आती है तो सही, अगर प्लस में वैल्यू नहीं आती तो हमको प्लस का भी जंपर मारना पड़ेगा, तभी हम मोबाइल फ़ोन में प्लस माइनस की कनेक्टिविटी कर पाएंगे। जब प्लस माइनस की कनेक्टिविटी कर पाएंगे तभी हम प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव की सप्लाई को जोड़ पाएंगे। जब प्लस माइनस को सप्लाई को जोड़ पाएंगे तभी हम मोबाइल फ़ोन में आएंगे, चार्जिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो चार्जिंग की समस्या आती है, वो चार्जिंग की समस्या को हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना बताते हैं या कैसे चेक करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि चार्जिंग के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको समझनी होती हैं। क्या समझनी होती हैं? जैसे आपका चार्जिंग जैक लगा होता है तो चार्जिंग जैक के बाद इसमें जो और भी पिनें होती हैं उनकी भी कनेक्टिविटी होती है। मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल बता देता हूँ कि जैसे मान लिया आपके पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड में आपका चार्जिंग कनेक्टर के पिनें दी हुई हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर चार्जर लगा देंगे तो एक वाली ये वाली जो पिन होती है इस पिन को हम लोग बोलते हैं वी बस या वी सी एच भी कह सकते हैं। उसके बाद एक पिन होती है इसको हम लोग बोलते हैं डीपी और डीएम। डीपी डीएम का मतलब होता है डाटा प्लस डाटा माइनस। उसके बाद एक पिन होती है इसको हम लोग बोलते हैं यूएसबी आईडी पिन, यूएसबी को जो डिटेक्शन करने का काम करती है। और एक पिन जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड। तो ये जितने भी मोबाइल फ़ोन में जो 5 पिनें होती हैं, आपको 5 में से ये जो 2 पिनें पाई जाती हैं, ये 2 पिनें आपकी चार्जिंग के लिए यूज होती हैं। और उसके बाद ये जो और भी जो 2 पिनें पाई जाती हैं, ये वाली जो 2 पिनें पाई जाती हैं, ये वाली दोनों पिनें आपकी यूएसबी केबल के लिए होती हैं। ये वाली पिनें यूएसबी केबल के लिए होती हैं, ये वाली पिन माइनस होती है, ये वाली पिन तुम्हारी प्लस होती है, ये वोल्टेज की 5 वोल्ट की प्लस सप्लाई होती है। तो ये मैंने आपको चार्जिंग जैक के बारे में बताया। अब इसी चीज़ को लिए चलो हम लोग चलते हैं बोर्ड में देख लेते हैं। जैसे मेरे पास चार्जिंग कनेक्टर है, चार्जिंग कनेक्टर में जब आप इसको चेक करेंगे तो चेक करने पर ये आपका जो पॉइंट दिया हुआ है, ये आपका वी बस का पॉइंट है, प्लस की सप्लाई है। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये तुम्हारा ग्राउंड का पॉइंट है, ग्राउंड का मतलब नेगेटिव का पॉइंट है। इसमें एक पिन जो दिया हुआ है ये तुम्हारा डीपी है, ये तुम्हारा डीएम है, ये तुम्हारा यूएसबी आईडी का पिन दिया हुआ है। तो एक पिन, दूसरा पिन, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये आपको 5 पिन दिया हुआ है। तो 5 पिनों में ये कनेक्टिविटी है। अगर मान लिया आपके मोबाइल फ़ोन में से अगर ये दोनों पिनें ख़राब हो जाते हैं या इन दोनों में से कोई भी एक पिन ख़राब हो जाती है तो आपके मोबाइल फ़ोन में फिर यूएसबी केबल नहीं चलेगा।
मतलब मोबाइल फ़ोन में यूएसबी की प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये वाली दोनों पिनें ख़राब हो जाती हैं तो इन दोनों पिनों ख़राब होने पर अगर कोई एक पिन भी ख़राब हो जाती है तो भी मोबाइल फ़ोन में फिर चार्जिंग से संबंधित समस्या आएगी कि मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग नहीं होगी, चार्जिंग नहीं हो पाएगी, इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन में जैक को कैसे चेक किया जाता है या जैक को चेक करने का तरीका क्या है। अब इसके आगे वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मोबाइल फ़ोन में कितने प्रकार के जैक आते हैं या कितने अलग अलग तरीके के जैक आते हैं जिनको हम लोग एक एक करके वन बाई वन करके क्या करते हैं, चेक करना सीखते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन में जो भी मोबाइल फ़ोन पाए जाते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग साइज के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे आपके जैक पाए जाते हैं। ये जैक ख़राब होने से आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की समस्याएँ आती हैं। हम आपको सारे चार्जिंग कनेक्टर्स के बारे में एक एक करके पूरा डिटेल से आपको बताते हैं और उनको डिटेल से हम आपको दिखाते हैं। जैसे अब हम आपको जो भी मोबाइल फ़ोन के अंदर जैक आते हैं वो सारे जैक के बारे में हम आपको समझाते हैं, कितने तरह के जैक होते हैं, कितने डिजाइन के जैक होते हैं, कितने तरह के पाए जाते हैं, या मदरबोर्ड में आपके कैसे दिखते हैं या मदरबोर्ड में उनका दिखने का तरीका क्या होता है। ठीक, आप देखिए सबसे पहला जैक जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन आता है, मोबाइल फ़ोन में सबसे जो पहले टाइप का जैक आता है, जो फर्स्ट टाइप का जैक आता है, जो दिखने में कैसा होता है, वो पहला जैक आता है आपका ये टू पिन का जैक होता है। सबसे पहला जैक कैसा होता है, टू पिन का जैक होता है। जो भी मोबाइल फ़ोन पाए जाते हैं सारे फ़ोनों में से सबसे पहला जैक टू पिन का पाया जाता है। कितने पिन का पाया जाता है, टू पिन का जैक होता है। जो टू पिन का जैक होता है वो देखने में अगर आप देखेंगे वो इस तरीके से बना होता है, ऐसा गोल होता है, ये इसमें दो पिनें होती हैं। इन दो पिनों में जब आप चेक करते हैं तो इसमें एक पॉइंट प्लस होता है, एक पॉइंट क्या होता है, माइनस होता है। जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में टू पिन का जैक पाया जाता है। टू पिन के जैक में से एक पॉइंट क्या होता है, प्लस होता है, एक पॉइंट क्या होता है, माइनस होता है, जिससे हम लोग प्लस माइनस के पॉइंटों से हम लोग इसको जैक को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बोर्ड में बताता हूँ कि और भी कितने तरीके के जैक होते हैं जिनको हम लोग पहचान सकते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट जैक पाया जाता है, जो भी मोबाइल फ़ोन होते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में जो सबसे पहला जैक होता है, देखिए जी हमने आपको बताया कि सबसे पहला जैक आपका पाया जाता है टू पिन का। कितने पिन का होता है, टू पिन का, जिसमें दो पिनें पाई जाती हैं। इसमें से एक पिन तुम्हारी माइनस होती है, एक पिन तुम्हारी प्लस होती है। ये जैक तुम्हारा टू पिन का होता है, ये नोकिया के सेट में जैक पाया जाता है, नोकिया के सेट में पाया जाता था और चाइनीज सेट में पाया जाता है। जितने भी नोकिया और चाइनीज कंपनी के मोबाइल फ़ोन आते हैं उसमें सभी सभी सेटों में ऐसा दो पिन का जैक पाया जाता है। और अब पहले के टाइम पे जैक यूज होता था, इसमें दो ही कनेक्शन होते थे प्लस माइनस के, अब फिलहाल ये जैक नहीं पाया जाता। अब जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में इस वाले जैक का काम ख़त्म हो गया, ये जैक आपका नहीं होता। अब हम बात करते हैं अगले जैक के बारे में। दो पिन के बाद आपका अगला जैक आता है, दूसरा जैक होता है पांच पिन का। पांच पिन का जैक होता है, जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन में पांच पिन का पाया जाता है। एक दो तीन चार पांच, पांच पिन में से पहले नंबर की पिन पॉजिटिव होती है, आखिरी नंबर की पिन क्या होती है, नेगेटिव होती है। जैसे आपके मोबाइल फोन में ये वाला लगा हुआ है इसको हम लोग पांच पिन का जैक बोलते हैं। उसके बाद फिर आपका अगला जैक बताते हैं। ये सारी चीज़ें एक एक करके आप अच्छे से नोट करते रहिए, समझते रहिए, ताकि आपको जैक के बारे में अच्छे से टेस्टिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका फिर आपके मोबाइल फ़ोन में जो तीसरा जैक जो पाया जाता है वो तुम्हारा सात पिन का होता है। सात पिन के जैक जो होते हैं ये सैमसंग के फ़ोन में पाया जाता है, जो सैमसंग के जितने भी न्यू हैंडसेट आ रहे हैं सभी में पाया जाता है। सात पिन के जैक में से अगर आप देखेंगे सात पिनें पाई जाती हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इसमें से दो पिनें खास तौर पर देखा जाए तो मोटी होती हैं,
तो जो पिने मोटी होती हैं वही वाली माइनस प्लस होती हैं, दो पिने मोटी होती हैं वही पिने क्या होती हैं माइनस प्लस होती हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि दो पिने सेकंड सेकंड वाली मोटी हो जाती हैं, कई बार मोबाइल फ़ोन में ऐसा भी हो जाता है कि जो दो पिने होती हैं वो लास्ट लास्ट वाली होती हैं। मतलब आखिरी वाली होती हैं। ये तो आखिरी आखिरी की प्लस माइनस मोटी वाली होती है, ये तो बीच वाली प्लस माइनस मोटी वाली होती है। ये जैक तुम्हारा सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में पाया जाता है, सैमसंग के जो नए हैंडसेट आते हैं उनमें ये वाला जैक होता है। उसके बाद फिर आपका अगला जैक जो आता है 7 पिन के बाद जो अगला जैक आपका पाया जाता है वो तुम्हारा दस पिन का पाया जाता है। जो 10 पिन का मतलब होता है इसमें से अगर आप देखेंगे 10 पिनें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 10 नंबर की पिन जो होती है माइनस होती है और 2 नंबर की पिन क्या होती है प्लस होती है। इस जैक को हम लोग V3I नाम से जानते हैं। ये पहले चाइनीज है, माइक्रोमैक्स है, इन फ़ोनों में पाए जाते थे, लेकिन अब ये मोबाइल फ़ोन में ये वाला जैक आना बंद हो गया है। उसके बाद फिर अगला जैक जो आता है वो तुम्हारा 20 पिन का होता है। 20 पिन का जैक जो पाया जाता है सैमसंग के जो ओल्ड मोबाइल फ़ोन आते थे, जो गुरु वाले म्यूजिक वाले मोबाइल फ़ोन आते थे, इनमें 20 पिन का जैक पाया जाता है। जो 20 पिन का जैक होता है, इस 20 पिन का जैक में क्या होता है, पहली और दूसरी पिन क्या होती है प्लस होती है, 19 और 20 नंबर की पिन क्या होती है माइनस होती है। जो 20 पिन का कनेक्टर पाया जाता है इसमें पहली दूसरी प्लस होती है, 19-20 पिन क्या होती है माइनस होती है। उसके बाद अब इस समय पर लेटेस्ट अगर समय पर देखा जाए जो भी सारे मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं सभी मोबाइल फ़ोन के अंदर टाइप सी का जैक पाया जाता है। कौन सा जैक पाया जाता है? टाइप सी का जैक पाया जाता है। जितने भी मोबाइल फ़ोन होते हैं जो टाइप सी का जैक पाया जाता है, टाइप सी के जैक में से क्या होता है सारे पिनों में अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा राउंड शेप में ऐसा सर्कल होता है और इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब ये जैक जो रहता है तुम्हारा 14 पिन का भी आता है, 16 पिन का भी आता है और 18 पिन का भी आता है। इसमें से जो लास्ट वाली पिन जो होती है, जो लास्ट वाली पिन पाई जाती है, ये लास्ट वाली पिन तुम्हारी माइनस होती है। उसके बाद चौथे नंबर की पिन जो होती है ये प्लस होती है। मतलब जो लास्ट लास्ट की पिनें जो होती हैं वो माइनस होती है, जो इधर से ऊपर से फोर्थ नंबर और नीचे से फोर्थ नंबर ये पिन क्या होती हैं प्लस होती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने जितने भी मोबाइल फ़ोन के अंदर जो चार्जिंग जैक पाए जाते हैं उस चार्जिंग जैक के अंदर कौन सी पिन प्लस होती है कौन सी पिन माइनस होती है इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको समझाया है कि हमारे पास जो भी फ़ोन आएंगे उस मोबाइल फ़ोन में आप प्लस माइनस को कैसे पहचान सकते हैं या प्लस माइनस को पहचानने का तरीका क्या है या किस तरीके से आप प्लस माइनस को फाइंड कर पाएंगे या उसको देख पाएंगे या उसको समझ पाएंगे। तो दोस्तों जितने भी मोबाइल फ़ोन के अंदर जो चार्जिंग जैक है मैंने उनके बारे में आज आपको मैंने डिटेल बताया है कि प्लस माइनस को पहचानने का तरीका, प्लस माइनस को चेक करने का तरीका, सप्लाई वोल्टेज को चेक करने का तरीका, इसके बारे में आपको बताया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अभी इसी चार्जिंग जैक के आगे जो बैटरी कनेक्टर कितने तरीके के आते हैं, उनमें कौन सी प्लस माइनस होती है, कौन सी आईडी थर्मिस्टर पिन होती है, उनके बारे में हम लोग आगे डिटेल से बात करेंगे। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो में आपको जो भी सारी चीज़ें मैंने सिखाई हैं समझाई हैं वो आपको समझ में आए कि नहीं आए आप एक कमेंट में मैसेज ज़रूर करें और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल से जुड़े रहें और ताकि आप पूरा एंड तक ऐसे वीडियो जब आप देखते हो तो आपको पूरा ए से लेकर जेड तक सभी चीज़ों के बारे में आपको सीखने को मिलता है। और ये चीज़ें जो होती हैं ये जो हम आपको वीडियो बना करके दे रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट के लिए वीडियो बना कर दे रहे हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल के हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल के हैं, जो लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बारे में नहीं काम जानते, या बहुत ऐसे लोग हैं जो काम तो 10-12 साल 15 साल से कर रहे हैं लेकिन उनको आज तक कनेक्टर देखते थे रख देते थे, उनको सारी लाइनें एक ही जैसी दिखती थी लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता था कि इसमें कौन सी पिनें काम की हैं कौन सी पिनें काम की नहीं है। आज जो मैंने आज वीडियो में जो मैंने आपको बताया ना ये वीडियो आपकी इतनी मदद करेगी कि अगर मान लिया एग्जाम्पल सी बात मैं कहता हूँ, अगर आपके पास कोई भी फ़ोन बनने के लिए आया उसमें से चार्जिंग कनेक्टर उतारते समय ये वाला प्रिंट उखड़ गया,
आपने मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग कनेक्टर उतारा, चार्जिंग कनेक्टर उतारते समय ये वाला पिन उखड़ गया। जब ये वाला पिन उखड़ गया आपने चार्जिंग जैक नया लगा दिया। नया लगाने के बाद आपका दिमाग जरूर ये बात बोलेगा कि देखो भाई ये मोबाइल फ़ोन का माइनस वाला पिन ख़राब है, हम माइनस वाले का उठा करके हम ऐसे ग्राउंड पे जम्फर मार देंगे तो हमारा मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पकड़ लेगा, नहीं तो चार्जिंग नहीं पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाला लाइन ख़राब है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको सब जैक के बारे में टेस्टिंग आपको बताया हुआ है। तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल से जुड़े रहें, और कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आती है तो मैसेज कमेंट जरूर करें। और अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए या कोई भी मोबाइल फ़ोन से संबंधित सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या कोई भी सॉफ्टवेयर का कोई प्रोफेशनल टूल चाहिए या कोई भी ऐसा अगर आपको आइटम चाहिए तो आप हमसे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपको उनके बारे में पूरा जानकारी कैसे मिलेगा, कितने रुपये का मिलेगा, कैसे चलाया जाता है, कैसे यूज किया जाता है या उसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन कैसे रिपेयर करे जाते हैं, इन सब चीज़ों का भी वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। सारे टूल्स को चलाने का, टूल कैसे मिलता है, सब चीजों का वीडियो पढ़ा, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो को समझ सकते हैं, या और भी चैनल से संबंधित आपको वीडियो को देखने को मिलेगा जिससे आपको जानकारी मिलेगी और अपडेट होंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। yeah.